तो भाई ये रान मंदी आ गई है, रान हड्डी हड्डी बच्चे। देखिए ये दो आइटम आ चुके भाई, इसका नाम क्या था दोनों का? तो दोस्तों ये अपना टाइम पास आ चुका है। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, केमन आचे, कैसा काय, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो दोस्तों कल जैसे कि मैं अपने वीडियो में बोला था, आज जाने वाला हूँ ढाबा। तो हम लोग निकल चुके हैं ढाबे के लिए। अब रात का टाइम है, 10 बज रहे हैं, ऑलरेडी लेट हो चुका है। तो अभी 10 बज रहे हैं, हम लोग निकल रहे हैं, रस्ते में हैं। आपको पूरा रास्ता तो मैं दिखा सकता नहीं हूँ, इसके लिए मैं सोचा यहाँ टेक ले लेता हूँ, अपना इंट्रो दे देता हूँ और सीधा खांसी आ रही है, और सीधा आपको ढाबे में मिलता हूँ और ढाबे दिखाता हूँ। और रास्ते में जो जो ढाबे पड़ते हैं हाथ को पीछे से बोलता हूँ, भाई दिखा दे कौन से ढाबे हैं। और फाइनली जो ढाबे में हम लोग जाने वाले हैं, डायरेक्टली मैं आपसे वहीं बात करता हूँ और दिखाता हूँ आपको वो ढाबा कैसा है और वहाँ पर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या चीज़ अपने को वहाँ पर मिल जाएगी खाने के लिए, और हम लोग क्या खा रहे हैं और हम लोग का कैसा एक्सपीरियंस है। अभी हम लोग टोटल 8 लोग हैं, 4 गाड़ी है और सब मज़े से जा रहे हैं। अभी बज गए हैं 10, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, हो गया हूँ लेट, डायरेक्ट चलता हूँ मैं और सीधे मिलता हूँ आपसे ढाबे पे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गए हैं मुमरा टोल नाका, मुमरा टोल नाका, और पीछे देख सकते हो अंधेरा अंधेरा है। कितने बज रहे हैं भाई, टाइम कितना हो रहा है? 11:30 बज चुके हैं और अभी हम लोग पहुँचे हैं अपने एरिया से निकल के, मतलब माहिम से निकल के मुमरा टोल नाका। जस्ट मुमरा टोल नाका क्रॉस करके खड़े थे, थोड़ा टॉयलेट वगैरह करना था लोगों को। क्या हाँ भाई, फ्लैश चालू करके मोबाइल से शूट करना पड़ रहा है। और अपनी पलटन यहाँ है, ये देखो अपनी ग्रुप, और 4 गाड़ी जैसे कि बताया था, और 4 गाड़ी पे 8 लोग हम लोग, मज़ा आ रही है। अब चलते हैं सीधा, सब्सक्राइब करो भाई लोग, वे टू ढाबा। हाँ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, वहाँ से आवाज़ आ रही है, अगर आपको आवाज़ आई है सब्सक्राइब करने की सब्सक्राइब करने की तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मिलता हूँ ढाबे पे। तो फाइनली दोस्तों हम लोग आज आ गए हैं ढाबा, अभी जस्ट पहुँचे हैं, और आज हम लोग आए हैं अल हिंद, जैसे आपको पीछे दिखता होगा अल हिंद ढाबा। तो आज यहाँ का ट्राई करेंगे। इससे पहले मैं एक बार और आया हूँ, तो दिल्ली दरबार में आया था, वो भी अच्छा था और ये भी अच्छा है। अभी हम लोग ये रोड के बाहर खड़े हैं और अभी मैं चलता हूँ आपको लेके, अंदर का व्यू दिखाता हूँ। जब ये सब देखिए आप लोग, पार्किंग लॉट वगैरह सब मिल जाएगा आपको। देखिए गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, आपको पार्किंग लॉट वगैरह मिल जाएगा, पार्किंग की कोई टेंशन नहीं है। 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है, हम लोग को बाइक से आए हैं, सबकी पार्किंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ खड़े रहेंगे 2-3 गार्ड, वो अपने आप डायरेक्शन दे देंगे, यहाँ जाइए यहाँ जाइए, आप लोग खड़ी कर सकते हो अपनी गाड़ी। और एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, अगर आपको आना हो तो आप लोग भी आ सकते हो अपनी फैमिलीज़ के साथ में और अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो चलो फटाफट एक्सप्लोर करते हैं, अंदर का इंटीरियर देखते हैं कैसी लाइटिंग है। बाहर से दिखाओ कैसा दिख रहा है, ये बाहर से देखिए गाइस, बाहर से कुछ लुक ऐसा है। और अभी हम लोग चलेंगे ढाबे के अंदर और मैं सबसे मिलाता हूँ, कितने लोग हम लोग के साथ, मतलब मेरे साथ में कितने लोग आए थे और मैं किन लोगों के साथ में आया था, चलिए फटाफट। मेरे दोस्त लोग अंदर चले गए हैं, खड़े हैं शायद से, हाथ वाथ धुल रहे हैं, और काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग है, मतलब लाइटिंग बहुत अच्छी प्यारी प्यारी की गई है। बहुत ही खूब, और ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है अल हिंद ढाबे में, बहुत अच्छा बनाया गया है, मतलब अपार्टमेंट बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, आज इंजॉय करेंगे यहाँ पे। तो फटाफट मैं भी हाथ धुल लेता हूँ, उन लोग धुल चुके। देखो ये मेरे साथ में है अब्दुल अहद अंसारी, ये अहद है, अहद पहली बार है यहाँ पे अपना, दूसरी बार है ये वाले ढाबे पे, पहली बार है। हाँ, और ये है हमारे जैद भाई, जैद भाई तुम्हारा भी पहली बार है ये ढाबे पे, और ये चचा आए हैं कानपुर से अपने, ये तो पहली बार ही आ रहे हैं, बाकी हाथ धुलने का सीन चालू है यहाँ पे। ये है अपना समीर, समीर पहली बार है, ये साबुन से हाथ धुलो, बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है, और ये साजिद है, हाँ और ये साजिद है भाई, ये भी इसका भी साबुन स्लो है। मकसूद भाई ये भी आए हैं हम लोग के साथ में, मकसूद भाई इधर देखिए, आप चेहरा दिखाइए, आप हमारे दर्शकों को आपका चेहरा देखना है। तो
हाथ धुल रहे हैं मकसूद भाई, देखिए मुंह धुल के एकदम तैयार हो चुके। मकसूद भाई कुछ बोलना चाहेंगे दर्शकों को? पहली बार आए हो कि दूसरी बार आए हो, क्या एक्सपीरियंस है तुम्हारा? मतलब ये भिमंडी में तो मैं 4-5 बार आया, ढाबे में 15 बार आया। ओह माय गॉड, वाओ, आइए वाले ढाबे में पहली बार है? पहली बार है। तो अभी खाएंगे फिर रिव्यू लेंगे कैसा है, और अंदर बैठेंगे देखेंगे कैसा है। और मैं भी धुल लेता हूँ फटाफट हाथ, मेरे हाथ में भी जर्म्स लगे, बहुत मिट्टी उड़ी थी यार, धुल के अंदर चलते हैं। तो ये है अंदर का कुछ टेबल्स वगैरह, और मेरी टीम बैठ चुकी है वहाँ पे। तो ये मेरी टीम बैठ गई है यहाँ पे। तो दोस्तों ये अपना टाइम पास आ चुका है, जैसे ढाबे में टाइम पास होता है। ये चना है और लहसुन है, देखिए ये लहसुन है और ये चना है। तो अभी इससे टाइम पास हो रहा है सबका, ये खा रहे हैं चच्चा चना, और साजिद भी डुबो डुबो के खा रहे हैं चटनी में, और चटनी भी है इसके साथ में। और ये ख़त्म करते हैं, और फिर दूसरा क्या आइटम आता है भाई बुक कर रहे हैं अपने अजीम भाई, देखते हैं दूसरा क्या आइटम है। पहला जब तक का इस पर फील्डिंग कड़क करते हैं अपनी, खाता हूँ फिर मैं मिलता हूँ दूसरे आइटम में। ओ भाई, भाई। तो दोस्तों ये देखिए ये दो आइटम आ चुके। भाई इसका नाम क्या था दोनों का? चीज गार्लिक कौन सा है? और दूसरा वाला पुष्पा। तो भाई ये वाला चीज गार्लिक है, और ये पुष्पा, झुकेगा नहीं साला। बाकी दोनों भी खाने में बेस्ट है। एक निवाला लेके दिखाता हूँ आप लोगों को मैं। ये बेहतरीन चीज़ गार्लिक भी अच्छा है, खाने में टेस्ट अच्छा है। भाई कैसा लग रहा है तुझे? अच्छा है। मकसूद भाई ये दोनों आइटम कैसे लग रहे हैं आपको? अच्छा लग रहा। वाकई सच्ची में बोलो? हाँ सच्ची में। अच्छा आपको? इनको हम चच्चा बोलते हैं। यूपी के नान से सब है मेरा भाई, मगर मैं इसको चच्चा बोलता हूँ। अच्छा अच्छा है। पार्टी दोस्त आप लोगों को कैसा लग रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में टेस्ट कैसा लग रहा है? बस बस ठीक है, अभी खाता हूँ फिर मिलता हूँ मैं। तो दोस्तों अपना ये जो आपको दिखाया था मैं स्टार्टर जो आया था, उसके बाद में हम लोग ने चावल भी मंगाए थे। तो चावल थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि बहुत बड़ा ढाबा है। सर्विस अटेंड करने मतलब सर्विस देने में वेटर्स को जो यहाँ काम करते हैं उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो उसके वजह से थोड़ा ज़्यादा ही लेट आ रहा है। मतलब 20 मिनट हो गया है, पूरी ग्रेवी ठंडी हो गई है। देखो ये इसको चावल के साथ में खाने के लिए रखे थे पुष्पा, सबके प्लेट में दो ही पे अलग अलग रखी हुई है, और सब अपना चिल कर रहे हैं बात कर रहे हैं। अभी ये खाता हूँ मैं फटाफट, और आपको मैं यहाँ का टूर भी कराता हूँ, दिखाता हूँ, एक्सप्लोर करते हैं ढाबा अल हिंद ढाबा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ है। यहाँ पे ये जो अपार्टमेंट में हम लोग बैठे हैं, मतलब ये फ्रेंड सर्कल में आप लोग आते हो, दोस्त यार है, ओनली मेल है, सिर्फ लड़के लोग हैं, तो यहाँ पे ये अपार्टमेंट में बैठ सकते हो। और इसके पीछे भी दिखता होगा ये पीछे, तो यहाँ पे भी बैठ सकते हो। और अपने उस तरफ में सामने की तरफ में फैमिली का है, मतलब लेडीज़ जेंट्स फैमिली होती है, उनको भी आप लेके आ सकते हो अपनी फैमिलीज़ को। तो वो अपार्टमेंट अलग किया गया है, नहीं तो आप लोग समझदार हो, ये अपार्टमेंट में जेंट्स के अपार्टमेंट में लेडीज़ लोग को बिठाएंगे तो क्या हो सकता है। आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो। और अपना ये आ गया भाई, देखो क्या बात करते करते ही जो अपना राइस था वो आ गया है, और बहुत ज़बरदस्त तरीके से पैक है, वो दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए ये टूट में पैक किया गया, ऊपर से आटे की लेयर लगाई गई है। अभी भाई वो सर्व करेंगे तो देखते हैं क्या चीज़ है, और साथ में ये चटनी। ये बिरयानी टाइप में ही खाली सादा राइस है बिरयानी, तो बिरयानी टाइप में एक हेप्सा टाइप में समझ लो। अभी वो सर्व करेगा तो देखेंगे कैसा है, आप लोग को दिखाता हूँ मैं कैसा है। तो भाई उसके सील खोल चुके हैं वो, देखिए ये रान निकली,
और अभी वो सर्व कर रहे हैं, सर्व करके लेके आते हैं यहाँ पे, टेबल पे रखते हैं अपने, तो मैं आप लोग को दिखाता हूँ कि कैसा है। तो भाई इसका नाम क्या था? रान मंदी। रान मंदी। तो भाई ये रान मंदी आ गई है, रान हड्डी हड्डी बची है भाई, भाई यहाँ क्या डाल रहा है। तो अभी तो ही तो बोला। हाँ तो ये रान मंदी है और इसकी स्पेशल ग्रेवी है चटनी, और अभी इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा है। बाकी खाली हड्डी हड्डी भरते जा रहे हैं भाई, बस बस खाता हूँ फटाफट और बताता हूँ कैसा है, टेस्ट करके टेस्ट कर ही लेता हूँ मैं। चलो आपके सामने ही, गोश्त तो एकदम स्मूथ है यार इसका, मज़ेदार है, काफ़ी स्मूथ गोश्त है, अच्छा है, एवरेज है समझ लो। और चावल चेक करके बताता हूँ कैसा है, चावल भी सही है, प्लाव टाइप में है, रान मंदी अच्छी है, ग्रेवी दे। और ये ग्रेवी के साथ में खाने के लिए ग्रेवी दी है, ये ग्रेवी है छोटी बाल्टी में, तो मैं खाता हूँ फटाफट यार, जमता नहीं है, जमता नहीं है ऐसा व्लॉग बनाने, तो मैं खा लेता हूँ फिर आपको मैं टूर कराता हूँ, फटाफट खाता हूँ मिलता हूँ। तो फाइनली दोस्तों खाना वाना हो गया है और अभी जाता हूँ हाथ धुलता हूँ और बिल पेमेंट क्लियर करते हैं इसकी, और फिर चलते हैं घूमने अंदर, घूम के जाएंगे, अब इतना दूर आए हैं हम लोग के यहाँ से 38 या 40 किलोमीटर है, तो थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे और आप लोग को भी दिखाएंगे, हम भी देखेंगे। हाथ धुल लेता हूँ और टेबल की हालत देखिए कुछ, चलो हाथ धुल लेता हूँ। तो दोस्तों इतना कुछ खास तो है नहीं अल हिंद ढाबे में घूमने के लिए, तो खाना खा के भी हम लोग का हो गया है और अभी बज रहे हैं 4, प्रॉपर 4 बज रहे हैं, और मैं बोला अभी यहाँ से निकलना चाहिए, घर पे भी जाना है और कल का भी कोई कंटेंट ढूंढना है, कहीं जाना है, तो अभी यहाँ से निकलते हैं घर के लिए, अभी अल हिंद ढाबे को अलविदा बोलते हैं। आज एक लोचा हो गया यार अपने साथ में, लोचा बहुत बेकार पड़ गया हम लोगों को। कभी भी आप लोग अगर कहीं जाते हो रात में ट्रेवल करते हो तो आप अपने पास में कैश ज़रूर रखना, क्योंकि कैश बहुत मैटर करता है कहीं पे भी पेमेंट के लिए। अभी जैसे कि यहाँ पे एक सीन हो गया था, पेमेंट हम लोग कर रहे थे कैश में, सॉरी पेमेंट हम लोग कर रहे थे ऑनलाइन पेटीएम यूपीआई द्वारा, तो अभी पेमेंट तो हम लोग ने की है, अब वो पेमेंट प्रोसेसिंग में अटक गई ना, उनके पास पहुँची, मेरे अकाउंट से कट गई पेमेंट, अब वो बोलते हैं कि यहाँ पे बिल भरना पड़ेगा, ये वो ऐसा ऐसा, बोले भर देंगे, बाकी यहाँ आसपास में कहीं एटीएम है तो एटीएम, बोले यहाँ पेट्रोल पंप पे था एक, मगर वो 11 बजे लास्ट बंद हो जाता है, तो एटीएम पे गए, एटीएम बंद था, जाहिर सी बात है जब वो 11 बजे बंद हो जाता है तो बंद ही था एटीएम, वहाँ पे भी ट्राई किए नहीं मिला। अब वो ढाबे से हम लोग 4 किलोमीटर दूर जाके एटीएम ढूंढ के वहाँ से पैसा निकाल के फिर इनको ला के पेमेंट क्लियर किए, तो इसके लिए थोड़ा लेट हो गया, पर कोई बात नहीं है, यहाँ आसपास में कहीं पेमेंट नहीं, पेटीएम नहीं, एटीएम कार्ड नहीं, एटीएम नहीं है, इसके लिए थोड़ा लोचा हो गया। मैं इसके लिए बोल रहा हूँ अगर आप लोग कहीं ट्रैवल करो, आपके हिसाब से 2000-3000 जो भी आपका बजट बनता है, वो ट्रैवल करने के टाइम पर आप कैश लेके चलो, तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ेगी, जैसे कि हम लोग को फेस करनी पड़ी प्रॉब्लम, पेमेंट तो थी, अगर हम लोग उनको वापस से ऑनलाइन पेमेंट मारते थे, अगर वो वापस से पेमेंट प्रोसेसिंग में अटक जाता तो प्रॉब्लम हो जाती थी, फिर हमारा पैसा तो फंस जाता था 3 दिन के लिए, वो बोलते थे हमको बिल क्लियर करके दो, तो इसके लिए हम लोग ने बोले 4 किलोमीटर दूरी सही एटीएम से निकाल के लाएंगे और दे देंगे, और लेट होएगा चलेगा कोई मसला नहीं है, मगर गए फिर, अरे यार ठंडी कितनी लग रही, देख रहे हो ना वो मार्केट से जैकेट खरीदा था मैंने, वही पहना हूँ, तो वो जैकेट पहना हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बाकी ठंडी लग रही थी, नाक से पानी छूटने लगा था यार तुम्हारे भाई के। तो अभी यहाँ से चलते हैं, आखिरी बार ढाबा देख लो, ढाबा दिखाओ, ये है अल हिंद ढाबा, मुझे इतना ख़ास नहीं लगा, मैं अपने हिसाब से बताऊँ तो एवरेज है, सही है, एकदम हाई एकदम, उसको वो नहीं दे सकते कि 5 स्टार दे सकते 5 में से, नहीं सही है, ठीक ठाक है। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ और ये ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ दोस्तों, आप लोग देखना
कमेंट करना आप लोगों को जो समझ में आएगा, जहाँ पे आपको कुछ बुरा या अच्छा लगेगा कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि आपके भाई की हिम्मत बढ़ती है उससे। और आंखों में नींद है, धीरे धीरे निकलना है यहाँ से, तो आपसे भी अलविदा लेता हूँ और इस जगह से भी अलविदा लेता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू सून, जय हिंद।